दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पहले ही बता देता हूं कि अगर आप YouTube पर ग्रो करना चाहते हैं और आगे चल के पैसा कमाना चाहते हैं और अपने चैनल में ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर हासिल करना चाहते हैं तभी दोस्तों मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर दोस्तों आप किसी शॉर्टकट ट्रिक्स में लगे हुए कि भाई शॉर्टकट ट्रिक्स मिल जाए या फिर कोई बड़ा यूट्यूबर हमें प्रमोट कर दे और हमारे चैनल में एक ही दिन में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग कुछ ऐसे बेसिक्स पॉइंट बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद लाजमी आपके चैनल 1 से 2 महीने के अंदर ही ग्रो होगा और आप अपने चैनल को बिल्कुल आसानी से मोनेटाइज करवा के उससे पैसे कमा सकते हैं। बट दोस्तों शर्त यह है कि वीडियो का आपको एक भी पार्ट स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो जो पॉइंट मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं इस पॉइंट्स को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो लाजमी आप लोगों का चैनल आगे चल के ग्रो होगा और आप लोगों के चैनल में कोई ऐसा मसला भी नहीं होगा। और अगर आप लोगों के पास टाइमिंग नहीं है तो आप मेरी फिर वीडियो को सेव करके बाद में देख सकते हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम भी जान लीजिए, मेरा नाम है शाहरुख एंड आप देख रहे हैं शाहरुख टैग। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहती है। देखिए दोस्तों जब आप लोग एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि अपना कॉन्टेंट सेलेक्ट करना है। जी हाँ दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों बहुत ऐसे नए क्रिएटर वो क्या कर रहे हैं कि दूसरे के चैनल का वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं और अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। इससे दोस्तों आप थोड़ा दिन तक के पैसे कमा लेंगे या फिर अगर आपका चैनल ग्रो हो जाता है या फिर मोनेटाइज हो जाता है उससे थोड़ा दिन के लिए पैसे कमाएंगे। कभी भी वो बंदा अगर आपको स्ट्राइक दे देगा और आपके चैनल में 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा तो आपका चैनल YouTube डीमोनेटाइज कर देगा या फिर टर्मिनेट कर देगा हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों अगर आप लोग YouTube में सच में पैसा कमाने के लिए आए और आगे चल के मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं और लंबे समय तक पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि खुद का रियल कॉन्टेंट बनाना, ना ही आपको किसी के दूसरे वीडियो की शॉर्ट क्लिप उठानी है, ना ही दोस्तों आप लोगों को कुछ करना है। आप लोगों को अपना खुद का कॉन्टेंट बनाना, भले ही दोस्तों आप वॉइस ओवर करें, भले ही आप अपना फेस कैम ना दिखाएं, लेकिन आप लोगों को खुद का जेन्युइन कंटेंट बनाना है। इससे दोस्तों आगे चल के आपका चैनल भी जल्दी ग्रो होगा और दोस्तों आपको आगे चल के कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना खुद का कंटेंट बनाना होगा और अपना नीड सेलेक्ट करना होगा कि आप किस कंटेंट पर आगे चल के काम करना चाह रहे हैं, क्या आपको उस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर आप लोगों को उस चीज में इंटरेस्ट है, अगर आप लोगों को उस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज है, तभी दोस्तों आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसी टाइप से रिलेटेड वीडियो बनाए। ये नहीं कि आप कभी दूसरा वीडियो डाल दे रहे, कभी ब्लॉग डाल दे रहे, कभी कुछ डाल दे रहे। इससे दोस्तों आपका चैनल का इंप्रेशन खराब होता है और आपका चैनल ग्रो आगे चल के नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग अपना नीड सेलेक्ट करना है और आप लोगों को अपना खुद का कंटेंट डालना है। इस बात को दोस्तों आप लोगों को लाजमी फॉलो करना। अब दोस्तों इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप लोगों को इसे लाजमी फॉलो करना होगा। वो है दोस्तों जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं और स्टार्टिंग में आपके व्यूज नहीं आता, आपके सब्सक्राइबर नहीं, आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा होता, तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि जो आप अपनी वीडियो को बनाते हैं तो आप लोग उसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। यानी कि दोस्तों आप 3-4 फ्रेंड में अपनी वीडियो का लिंक शेयर कर दें और उसे कहें कि भाई मेरी इस वीडियो को देखो, तो आपका वो फ्रेंड आपकी वीडियो को देखेगा। अब दोस्तों आप लोग बोल रहे हो कि यार लिंक शेयर करने से तो चैनल खराब हो जाता है, ये हो जाता है। दोस्तों मैं आप लोग पूरा डिटेल बताता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोग सिंपली लिंक शेयर करें, लिंक शेयर करके उनसे पूछे कि भाई मेरी वीडियो को पूरी देख और मेरी वीडियो को देख के ये बता कि मेरी वीडियो में कौन सा ऐसा कमी है। तो आपका दोस्त समझ लीजिए आपका एक ऑडियंस है, आप अपने ऑडियंस को अपना लिंक शेयर कर रहे हैं। तो आपका ऑडियंस जब आपकी वीडियो को देखेगा वो आपको बताएगा भाई तेरे वीडियो में इस चीज़ का कमी था, तेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था या फिर तेरा वॉइस सही नहीं था, मेरे को तेरा वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं लगा। इससे दोस्तों क्या होगा कि आप लोगों को पता चलेगा अच्छा ये चीज़ का मेरे वीडियो में कमी है, तो आप उस चीज़ में प्रैक्टिस करेंगे, फिर उस चीज़ को आप ज़्यादा अच्छे करने की कोशिश करिए। आप उसमें अगर आपका दोस्त बोलता है कि आपका वॉइस क्वालिटी अच्छा नहीं है तो आप अपने वॉइस क्वालिटी को प्रैक्टिस करिए। अगर आपका दोस्त बोलता है कि तेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड को अच्छा करिए। अगर आपका दोस्त बोलता है कि आपका वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है तो आप अपनी वीडियो क्वालिटी को अच्छा करिए। इस तरीके से दोस्तों क्या होगा कि दोस्तों वो आपका ऑडियंस समझ लीजिए और ये आपको बता रहा है कि आपको क्या चाहिए। तो दोस्तों अगर आप ऑडियंस का बात यानी अपने दोस्त का बात मानते हैं और उस चीज़ को बेटर कर लेते हैं आगे चल के और उस चीज़ को ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं तो आपका 1 महीने के अंदर ही आपका चैनल ग्रो होगा। इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ और बहुत सारे क्रिएटर यही करते हैं कि स्टार्टिंग में इसी टिप्स को फॉलो करते हैं। दोस्तों अगर आप एक नए क्रिएटर हैं तो ये टिप्स आप लोगों को लाजमी फॉलो करना है, इससे दोस्तों आपका चैनल जल्दी ग्रो होगा। अब है पॉइंट नंबर थ्री है, वो है दोस्तों आपका चैनल में ज़्यादा वीडियो का अपलोड होना। दोस्तों अगर आप लोगों के चैनल में मान लीजिए दोस्तों आपका एक शॉप है और आपने नया शॉप खोला एक मार्केट में और आपके शॉप में अभी दोस्तों कम सामान है और आपका शॉप देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो अगर आपके शॉप में कोई कस्टमर आएगा, वो पूरी मार्केट में सब जितने भी शॉप है वो सारे भरे हुए हैं, ठीक है। अब आपके शॉप में कोई कस्टमर आएगा, जब आपकी दुकान की तरफ नज़र जाएगा उसका, तो वो तो देखेगा यार आपका दुकान खाली है, तो वो आपके दुकान से सामान लेगा, उसको यही नहीं लगेगा
यार इसका तो पता नहीं दुकान में अच्छा सामान होगा या फिर इसका रेट खराब होगा, तो इस वजह से वो दूसरे दुकान से ले लेगा, आपके दुकान में नहीं आएगा। फिर दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करेंगे, आपका नया दुकान होगा, आप उसको दो अच्छा करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और लगा के माल डालेंगे, तो इससे दोस्तों क्या होगा, फिर आपका दुकान आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो जाएगा। फिर जो कस्टमर आएगा वो देखेगा भाई इसका दुकान तो देखने में अच्छा भी लग रहा, भरा हुआ है, तो इसका सारा सामान भी अच्छा होगा, सस्ते रेट में ये दे रहा होगा, तो इस वजह से फिर आपके आहिस्ता आहिस्ता करके व्यूअर्स आएंगे। तो दोस्तों यही मिसाल अगर आप फॉलो कर लेते हैं, यानी कि अगर आपके यूट्यूब में स्टार्टिंग में अभी 5 वीडियो है, 10 वीडियो या फिर 15 वीडियो, और आप सोच रहे हैं कि अब तक मैं चल में व्यूज़ नहीं आ रहा, सब्सक्राइबर नहीं आ रहा, तो दोस्तों अगर आप इस टिप्स को फॉलो कर लेते हैं, ये जो मैंने आपको दुकान की मिसाल दिया कि आप लोगों को अपने दुकान में आहिस्ता आहिस्ता माल भरना, तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि अपने चैनल में आहिस्ता आहिस्ता करके वीडियो अपलोड करते चले आना, डेली वीडियो अपलोड करना है, कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है, डेली वीडियो अपलोड करना, आहिस्ता आहिस्ता करते करते यूट्यूब आपकी वीडियो का इंप्रेशन बढ़ाएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप पहली वीडियो को अपनी जाके देखिएगा, और जब आप 50 वीडियो अपलोड करेंगे तो आप 50वीं वीडियो को देखिएगा, आपको खुद फर्क समझ में आ जाएगा कि पहले मैं कैसे बोलता था, कैसे मेरा बैकग्राउंड था, कैसे मैं बोलने का मेरा अंदाज था, उसके बाद 50वीं वीडियो को देखिएगा कि कैसा मेरा बिफोर एंड आफ्टर फर्क आया। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग इस टिप्स को फॉलो करने के बाद जब आप ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में वीडियो डालेंगे तो यूट्यूब आपकी वीडियो का इंप्रेशन ज़्यादा लोगों तक भेजेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 2 से 3 महीने के अंदर ही आपका चैनल ग्रो होगा। बट दोस्तों शर्त यह है कि आपको कंसिस्टेंसी रखना है, और जिस तरीके से मैंने आपको मिसाल दिया इस मिसाल को आप लोगों को लाजमी फॉलो करना है। अब दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो लास्ट ट्रिक्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस ट्रिक्स को फॉलो करने के बाद मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट वाला जो ट्रिक्स है वो ये है कि आप लोगों को अपने वीडियो का ये देखना है कि आप लोगों का वीडियो ज़्यादातर सजेस्टिंग में जा रहा है या फिर यूट्यूब सर्च में जा रहा है या फिर यूट्यूब रिकमेंडेशन में जा रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पे साइड में स्क्रीन शॉट दिख रहा है कि मेरा जितना भी वीडियो है वो ज़्यादा यूट्यूब सर्चेस से आ रहा है। दोस्तों अगर आप लोगों का भी वीडियो यूट्यूब सर्चेस से आ रहा है तो आप लोगों का रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा, आपका चैनल भी जल्दी ग्रो होगा, और आपके वीडियो में व्यूज़ भी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस वजह से दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले अपना एनालिटिक्स देखना है कि आप लोगों का जो ऑडियंस है वो कहां से आ रहा है। अगर दोस्तों आपका ऑडियंस कहीं और से आ रहा, अदर किसी चीज़ से आ रहा, तो दोस्तों आप लोगों को स्टार्टिंग में क्या करना है कि आप लोगों को कुछ ऐसा कंटेंट बनाना जो कि यूट्यूब में ज़्यादातर सर्च हो रहे हो। दोस्तों आपको यहाँ पे साइड में स्क्रीन शॉट दिख रहा है कि इस टाइप से रिलेटेड मैं कॉन्टेंट बनाता हूँ जो कि ज़्यादातर यूट्यूब में सर्च हो रहे होते हैं, तो इसी वजह से मेरा ज़्यादातर वीडियो यूट्यूब के सर्च रिजल्ट में आता है, तो इसी वजह से दोस्तों आपका वीडियो रैंक भी होगा। और इसके लिए दोस्तों आप लोगों को अपने वीडियो का मुकम्मल SEO करना होगा। SEO के वजह से दोस्तों आपका वीडियो टॉप में रैंक करेगा, आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है, और एक वीडियो अगर आपका वायरल हो जाता है तो 1 महीने के अंदर ही आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा, और आपका चैनल भी वहां से ग्रो हो सकता है। दोस्तों अगर आप लोगों को अपने वीडियो का SEO करने नहीं आता तो मैं SEO के ऊपर मुकम्मल ट्यूटोरियल वीडियो बना चुका हूं और अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक दोस्तों मैं आप लोगों को एंड स्क्रीन में भी यहां पर दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने चैनल का मुकम्मल SEO करवा के अपने वीडियो को रैंक और वायरल भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों इन चंद बातों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि 3 से 4 महीने के अंदर ही आपका चैनल ग्रो होगा और आप यूट्यूब से काफी ज्यादा पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों आज की वीडियो आप थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको मोटिवेशनल एंड यूट्यूब से रिलेटेड ऑल वीडियो मिलते रहती है। तो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।